अजय सिद्धेश ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया नॉनी से, कॉन्सेप्ट वाइज गीता ने बहुत अच्छा किया, आई लाइक द बॉडी शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, लाइट वाला भी था। सिद्धेश आप बहुत अच्छे थे, बट नोनी आप नहीं कर पाई, वो जब हेड पकड़ के जो फ्लो था आप जाते हो साइड में, आपका बॉडी नहीं मूव कर रहा था, जबकि आपका बॉडी मूव करना चाहिए, आप तो बहुत अच्छा मूव करते हो। सो यू वर फॉर मी डल टुडे, सिद्धेश वॉज वेरी गुड, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। ओके, नोनी की एक जिद थी कि मैं करूंगी, मैं करना चाहती हूँ, आई एम सॉरी कि नोनी इफ देव कॉट दैट, यस देर वॉज अ डिफिकल्टी देयर और मैं मना नहीं कर सकती हूँ जब आप उठती हैं। सिद्धेश एज यूजुअल आपने वेट संभाला भी और अच्छी तरह परफॉर्म भी किया। ज्ञान मास्टर आप बताइए कि आपको इनका परफॉर्मेंस कैसे लगा? मैं इतना ही कहूंगा, मुझे वो डार्कनेस में अंधेरे में वो लाइटिंग एक्ट बहुत अच्छा लगा। एवरीबॉडी हैज देयर ओपिनियन। सो और दूसरी बात यह है कि भैया एक महाराष्ट्रीयन लड़का एक तमिल सॉन्ग में डांस कर रहा है, देखिए हमारा देश, देखिए हिंदुस्तान। अरे भैया तुझे तमिल से तमिलनाडु से भी वोट आएगा। थैंक यू सो मच। और गीता मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, गीता आज समा इट वॉज लुकिंग सो ब्यूटिफुल, आई मीन स्पेशली दोज विंडो एक्ट, इतना अच्छा लग रहा था कि आप भी क्या गुस्से में आ गई हो क्या? क्या क्या है आपका? गुस्से में आ गई मतलब क्या? ये मतलब मुझे दिख के ही लग रहा है कि यू आर ऑन अदर ट्रिप, मतलब कोई मतलब जबरदस्त छह से तीन, तीन से दो, तो कोई तो ट्रिप होगा ना। अरे दो भी हो जाए तो दोस्तों के बाद। थैंक यू सो मच सिद्धेश और नॉनी, टेक अ सीट। थैंक यू सो मच। सुनहरी तकदीर की टोपी जीतने के लिए दुआ भी चाहिए और आशीर्वाद भी, मगर सबसे जरूरी है कड़ी मेहनत। हमारे कंटेस्टेंट्स तैयार हैं जिद से अपनी दुनिया बदलने के लिए, तो इससे पहले कि ये जिद जोर पकड़ ले, लेते हैं एक डांस ब्रेक। वेलकम बैक टू सबसे बड़े डांसिंग स्टार की खोज स्वाद डांस इंडिया डांस। रंगों के त्योहार पे आज छाया हुआ है डांस का खुमार, और अब आपके सामने पेश होने जा रहा है एक और धमाकेदार परफॉर्मेंस। लेकिन परफॉर्मर हमारे कंटेस्टेंट्स नहीं है, बल्कि अपकमिंग फिल्म गुलाल की एक्ट्रेस है और वो देने आ रही है एक जबरदस्त परफॉर्मेंस। सो प्लीज वेलकम द ब्यूटीफुल माही गिल। जैसे दूर देश के टावर में घुस जाए रे एरोप्लेन, जैसे दूर देश के टावर में घुस जाए रे एरोप्लेन। राणा जी हमारे ऐसा बुरा, ऐसा बुरा भर आए हमारे ने, जैसे हर एक बात पे देख देख कर ये पीछे गुलाल हो रहे थे। क्या करें, आप इतनी खूबसूरत है कि आपको फर्स्ट टाइम मैंने डेवडी में देखा था, आपका परफॉर्मेंस देखकर मैं सोच रहा था कि अब कौन सी फिल्म में आएंगे आप, और अभी आप गुलाल में आ रही हैं। सो चलते हैं मिथुन दा की तरफ। मिथुन दा, माही माही माही, एक बार मेरी तरफ से भी तालियां। वेरी ग्रेसफुल डांसर यू माही, वेरी ग्रेसफुल, बहुत अच्छा लगा एक्सप्रेशन के साथ।
पिक्चर तो आपकी रिलीज हो रही है जी, एंड डेफिनेटली ये धमाकेदार नंबर तो होगा ही जी। थोड़ी बहुत फिल्म के बारे में बता दे कि जिसका गाना इतना अच्छा होगा फिल्म भी बहुत अच्छी होगी, आई एम वेरी श्योर। ये फिल्म कॉलेज पॉलिटिक्स के ऊपर है जो कॉलेज पॉलिटिक्स से बढ़कर दूसरे पॉलिटिक्स तक पहुंच जाती है, और इसमें एक लव स्टोरी भी है। फैंटास्टिक स्टोरी में ही लग रहा है कि लॉट ऑफ ट्विस्ट्स इन द फिल्म। आप गुलाल देखेंगे? जरूर देखूंगा। हम सब देखेंगे हम तो सब। हम एक झलक देखते हैं आपकी नई फिल्म गुलाल की। जब से ये प्रजातंत्र आया है ना, हमारे साथ सिर्फ धोखा हुआ है। जंग छेड़ी है हमें, आजादी की जंग, अपनी जमीन की जंग। जो आप कर रहे हो क्रांति नहीं, पागलपन। दोस्तों, अब हर एक मास्टर और उनके कंटेस्टेंट्स के सपने एक हो चुके हैं, इसलिए डांस के सबसे बड़े मंच पर मुकाबला बहुत ही कठिन हो चुका है। कल फिर नजर आएगा कंटेस्टेंट्स और मास्टर्स के अंदर जीतने का जुनून, क्योंकि अगले हफ्ते डांस के सबसे बड़े मुकाबले में हमारे ग्रैंड मास्टर वाइल्ड कार्ड के जरिए नए पुराने कंटेस्टेंट्स को देंगे चांस पे डांस करने का मौका। वो सारे कंटेस्टेंट्स इंडिया का सबसे बड़ा डांसिंग स्टार बनने के सपनों को आंखों में लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आइए पहले देखते हैं उनकी जोशीला अंदाज को। तन्वी, यू आर नॉट गुड इनफ टू बी इन अ फाइनल 18। अंशुल, कि आप फाइनल 18 में सेलेक्ट नहीं हुए। कुछ दुख था कि ना डांस इंडिया डांस से बाहर चले गए हैं, तो अभी जो डांस इंडिया डांस जो ये मौका दे रहा है और जो कॉन्फिडेंस ज्यादा है, मन में विश्वास है कि हम लोग जरूर अच्छा करेंगे। ईच वन नोस वन स्टेप बेटर देन द अदर, तो सबसे सीखने का मौका मिल रहा है। हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि हम लोग अभी नए आए हुए हैं, तो उसके हिसाब से हमें और भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉम्पिटिशन और मुश्किल होने वाला है हमारे लिए। लेकिन क्या ये सब ग्रैंड मास्टर को कर पाएंगे इंप्रेस? उनकी जी तोड़ कोशिशों का क्या होगा अंजाम? इन सब सवालों का जवाब वक्त ही बताएगा। और अब मुकाबले के इस मोड पर वक्त आ चुका है सबसे खूबसूरत परफॉर्मेंस ऑफ द डे का खिताब देने का। तो मैं ग्रैंड मास्टर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आज हमें सबसे खूबसूरत परफॉर्मेंस ऑफ द डे का नाम बता दे। खूबसूरत परफॉर्मेंस ऑफ द डे का खिताब मिलता है वंस अगेन सलमान खान। वेलकम, कांग्रेचुलेशन सलमान खान, दूसरी बार आप जीत चुके हैं सबसे खूबसूरत परफॉर्मेंस ऑफ द डे का खिताब, और आपको मिलता है गिफ्ट वाउचर। जोरदार ताली हो जाए सलमान खान के लिए। डांस इंडिया डांस सबसे बड़े डांसिंग स्टार की खोज में अब मास्टर्स बन चुके हैं एक दूसरे के लिए चुनौती। क्या होगा कल गीता की गैंग का अंजाम? जानने के लिए जरूर देखिए जी टीवी पर डांस इंडिया डांस। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए इंडिया कीप डांसिंग। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो स्टाइल, और आप काफी हद तक उसे बहुत अच्छी तरह निभाती हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि हर बार आपने कोई नई चीज ट्राई करने की कोशिश की है, काबिले तारीफ। दोस्तों, फैसले की घड़ी आ गई है। सुनहरी तकदीर की टोपी पाने का सपना आज जिसका पूरा नहीं होगा वो है स्वाद। डांस इंडिया डांस वॉज ब्रॉट यू बाय स्वाद, बेस्ट टेस्ट इन टाउन। लॉग ऑन टू www